अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है। आज जैसे कि ईद का दिन है, अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मस्जिद करके पास ही है, वहाँ पास ही नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो 6:45 नमाज है। नमाज पढ़ ली है, वापस आ रहे हैं और हमारे कसाई पहुंच चुके हैं, तो इंशाल्लाह बस अब बकरे निकालते हैं और उनको उनकी कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखते रहिएगा। يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت انتظامات شروع ہیں قربانی کے لیے، بس ابھی کرتے ہیں قربانی۔ آپ جڑے پکڑو نا پینٹ آج رہا تھا کیا کٹے لگے ہیں قربانی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ अल्लाह हू अकबर पढ़ के बस बिस्मिल्लाह। मुझे बता देगा किधर से बिस्मिल्लाह। من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام। अच्छा, तो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था क्योंकि कुर्बानी करने से पहले आप कुछ खाते नहीं, खाली पेट रहते हैं। तो मैंने कुर्बानी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो अब मज़ेदार सेवियाँ खाने लगे हैं और ईद का मज़ा तो तभी दुबाला होता है जब आप सेवियाँ खाते हैं, और वो भी अम्मी के हाथ की बनी सेवियाँ तो बहुत अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह, ये रही हमारी सेवियाँ, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी देखने में अच्छी लग रही होंगी। भूख बहुत लग रही है, तो जल्दी से इनको खाते हैं और मज़ा लेते हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया था, अब गोश्त कट रहा है तो वो भी दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी सारी कर ली है, अब बस फाइनल स्टेजेस में गोश्त बन रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे आपने देखा गोश्त वगैरह तो बन गया है, अब पूरा दिन उसको इंशाल्लाह रिश्तेदारों में बांटने वगैरह में गुजरेगा। तो बड़ी ईद का हमेशा से इसी तरह ही रूटीन चलती आई है। अच्छा, तो हमारे घर पहले दिन मटन बोनलेस हांडी बनती है और वो भी स्पेशल अम्मी बनाती हैं, तो मज़ा ही आ जाता है माशाल्लाह। अच्छा, अब बोर्ड इंतज़ार नहीं हो रहा, ये पहली बाइट लेते हैं और फिर मज़ा लेते हैं। बहुत आला। मैं देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आंखें, तुम्हें सोचा तो यूं सोचा, तसव्वुर हो गई आंखें, तुम्हें जो लिखती है ये शायर राखें, बसे हमारे